औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम 10th क्लास। आई होप ऑल आर यू आर फाइन एंड एंजॉय योर ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ योर कंप्यूटर क्लास एंड वी डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 2 डेटा टाइप असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 14 एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर सुहा शफीक। टुडेज आवर टॉपिक इज रिस्टोर स्टेटमेंट। Firstly, we discuss what is restore statements. These statements cause the data statement to be reduced by the read statement. ये statement basically क्या करती हैं, जो read statement में data reduce हो जाता है जो कि पहले यूज़ हो चुका होता है, इसको दोबारा रीस्टोर करने के लिए, दोबारा इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है वो रीस्टोर की स्टेटमेंट। अगर हम उसको दोबारा यूज़ करना चाहते हैं तो ये रीस्टोर की स्टेटमेंट इस्तेमाल होगी। इसका सिंटैक्स हम कैसे लिखेंगे, रीस्टोर और लाइन नंबर, जो भी लाइन एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वो उसको लिख देंगे। इंटरप्रिटेशन क्या होगी, द लाइन नंबर स्पेसिफाई द लाइन नंबर ऑफ अ डाटा स्टेटमेंट विच हैज़ टू बी रीड अगेन। द नेक्स्ट रीड स्टेटमेंट रीड द फर्स्ट आइटम्स इन द स्पेसिफाइड डाटा स्टेटमेंट। वी कैन ओमिट लाइन नंबर इफ़ सो द नेक्स्ट रीड स्टेटमेंट रीड्स द फर्स्ट आइटम इन द फर्स्ट डाटा स्टेटमेंट। ठीक है, अगर जो भी लाइन हम रीड करना चाहते हैं तो रीस्टोर के साथ उस लाइन का नंबर लिखेंगे। नंबर लिखने के बाद वो जो लाइन है हम दोबारा उसको रीड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी नेक्स्ट रीड स्टेटमेंट जो रीड करनी है तो फर्स्ट आइटम्स को भी हम इसी तरह रीड के स्टेटमेंट में लिखकर इसको रीड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट आती है इनपुट स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू इनपुट डाटा फ्रॉम द यूज़र ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इनपुट स्टेटमेंट किस लिए यूज़ होती है, अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है यानी कि एग्जीक्यूशन के दरमियान है तो ये स्टेटमेंट इनपुट स्टेटमेंट यूज़ की जाएगी ताकि आपके यूज़र इसको कोई भी स्टेटमेंट को इंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। सिंटैक्स इसका हो सकता है, इनपुट के साथ आपने सेमी कॉलन लगाना है, परमिट स्ट्रिंग कॉमा के साथ सेपरेट करना है और जो है सेपरेट लिस्ट ऑफ अ वेरिएबल को लिख देंगे। इंटरप्रिटेशन है, परमिट स्ट्रिंग इज़ द मैसेज दैट इज़ डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन टू असाइन द यूज़र टू इनपुट करेक्ट डाटा। ठीक है, परमिट स्ट्रिंग बेसिकली क्या है, एक मैसेज होगा जो कि स्क्रीन पे शो हो रहा है ताकि यूज़र करेक्ट डाटा इंटर करते हुए ख्याल रखे। वी कैन स्पेसिफाई मोर देन वन वेरिएबल विद द स्ट्रिंग इनपुट स्टेटमेंट। एक से ज़्यादा जो है वेरिएबल इसको इनपुट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन द वैल्यू इंटर्ड बाय द यूज़र आर असाइन टू द क्रॉसपोंडिंग वैल्यू अकॉर्डिंग टू द सेम सीक्वेंस इन विच दे आर लिस्टेड। बिल्कुल इसी तरह सेम लिस्ट के साथ ये असाइन हो सकती है वैल्यू जैसे कि पहले असाइन की हुई थी। द नंबर ऑफ डाटा आइटम सप्लाइज बाय द यूज़र मस्ट बी द इनपुट मस्ट अगेन विद वेरिएबल नेम। अगर दोबारा एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो ये दोबारा भी एग्जीक्यूट हो सकती है जस्ट वेरिएबल का नेम राइट करके। व्हेन अ सेमी कॉलन इज यूज्ड, जी डब्ल्यू बेस प्रोवाइड नेक्स्ट स्टेटमेंट इज प्रिंट स्टेटमेंट। दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड स्टेटमेंट इन बेसिक। बेसिक जो है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली प्रिंट में प्रिंट स्टेटमेंट है। Almost every program in base make use for it. जो mostly जो भी program use होता है हम बनाने के लिए base में, इसको print statement को ज़रूर use करता है। All the program we have seen so far in this text have used it in different ways. Text में अगर कोई भी value हमने print out करनी है तो इसको different तरीके से use करते हैं। This statement is used to display text and number on the स्क्रीन। बेसिकली ये करता क्या है, टेक्स्ट और ग्राफिक्स को, मैसेज को स्क्रीन पे शो करवाने के लिए यूज़ होता है। सिंटैक्स इसका हम जो लिखेंगे उसमें होगा प्रिंट और ब्रैकेट में लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन और सेमी कॉलन के साथ एंड करेंगे। लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन और सेमी कॉलन के साथ
एंड करेंगे. इंटरप्रेशन में आएगा एक्सप्रेशन इन द लिस्ट में बी न्यूमेरिक एंड और स्ट्रिंग एक्सप्रेशन. हो सकता है वो न्यूमेरिक एक्सप्रेशन हो या स्ट्रिंग एक्सप्रेशन हो, सेपरेटेड बाई कोमा स्पेस और सेमी कॉलन. कोमा के साथ अलग होगा, फिर इसके दरमियान स्पेस दी जाएगी और इसमें आगे सेमी कॉलन लगाया जाएगा. इफ़ वी ओमिट द लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन अ ब्लैंक लिंक इज अ प्रिंटेड. वी कैन आल्सो यूज अ क्वेश्चन मार्क इंस्टेड ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट. ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट में क्वेश्चन मार्क हम यूज़ करेंगे. दिस विल बिहेव इन द सेम वे द प्रिंट स्टेटमेंट बिहेव. बिल्कुल इसी तरह ही ये यानी कि चलेगा, बिहेव करेगा जैसे कि प्रिंट स्टेटमेंट में वैसे बिहेव कर रहा है. व्हेन द टू एक्सप्रेशन इन अ प्रिंटेड स्टेटमेंट आर सेपरेटेड बाय अ सेमी कॉलन द सेकंड एक्सप्रेशन इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन जस्ट आफ्टर द टेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन. अगर सेमी कॉलन के साथ दो एक्सप्रेशन को अलग किया गया है तो दूसरा एक्सप्रेशन तब बिल्कुल उसी वक्त शो हो जाएगा जैसे कि पहले एक्सप्रेशन के एग्जीक्यूट होने के बाद. जी डब्ल्यू डिवाइड ईच लाइन इनटू प्रिंट जोन ऑफ 40 स्पेसेस. ठीक है, प्रिंट लाइन जो है वो 40 स्पेसेस को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल. वी कैन आल्सो यूज अ कोमा इंसर्टेड ऑफ सेमी कोलन टू सेपरेट एक्सप्रेशन द काज द सेकेंड एक्सप्रेशन इज टू बी डिस्प्ले एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट जोन. हम इनको सेमी कोलन और कोमा यूज़ करते हैं ताकि ये इसकी प्रिंट आउट जो है अलग हो सके, एक्सप्रेशन जो है अलग हो जाएं, लेकिन बिल्कुल उसी तरह प्रिंट हो जैसे कि प्रिंट जोन में अलग होता है. ये आपके सिंटैक्स आपको शो हो रहा होगा. बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन मार्क के साथ इसका सिंटैक्स लिखेंगे ताकि बिहेव वैसे ही करे जैसे कि स्टेटमेंट में ये बिहेव कर रहा है. जी डब्ल्यू बेस एक और हमें स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है, प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट. प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले नंबर एंड स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट. स्पेसिफिक फॉर्मेट में ये एक्सिक्यूट करवाने के लिए नंबर इस्तेमाल होता है. इसका सिंटैक्स होगा प्रिंट यूजिंग स्ट्रिंग एक्सप्रेशन लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि दोनों लिख के इसको कॉमा के साथ सेपरेट कर देंगे. स्ट्रिंग एक्सप्रेशन इज अ स्ट्रिंग लिटरली और लाइक वेरिएबल कॉन्स्टेंट ऑफ स्पेसिफिक फॉर्मेट करेक्टर. द फॉर्मेट करेक्टर डिटरमाइन द फील्ड एंड द फॉर्मेट ऑफ प्रिंटिंग स्ट्रिंग ऑफ नंबर. लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन कॉन्स्टेंट ऑफ द स्ट्रिंग विल बी न्यूमेरिक एंड सेपरेटेड बाई कॉमा. ठीक है, इसका जो आपका सिंटैक्स होगा वो स्ट्रिंग एक्सप्रेशन होगा, फिर उसके साथ सेमी कॉलन से अलग किया है, लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन इसके दिए गए हैं और ये सेमी कॉलन से अलग हो जाएगा. बिल्कुल इसी तरह ही ये वर्कआउट करेगा जैसे प्रिंट स्टेटमेंट होती थी, लेकिन ये कमांड दे के इसको प्रिंट करेगी कि किस टाइप का इसको प्रिंट करना है. तो प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट जो है हमें दो तरह से प्रिंट आउट करने के लिए हेल्पफुल करती है. फर्स्ट है स्ट्रिंग फील्ड्स. स्ट्रिंग फील्ड्स क्या है, अगर हमारे पास फॉलोइंग तीन करेक्टर्स हैं मे बी यूज टू फॉर्मेट अ स्ट्रिंग फील्ड, तो सबसे पहले स्पेसिफाई दैट ओनली द फर्स्ट करेक्टर इज द स्ट्रिंग टू बी प्रिंटेड. तो सबसे पहले हमने स्पेसिफाई करना है, लाजमी अमर करना है कि पहला जो करेक्टर होगा वो स्ट्रिंग का ही हो. एंड स्पेस स्ट्रिंग पार्ट एंड फ्रॉम द स्ट्रिंग आर टू बी प्रिंटेड. इफ़ द ब्लैंक स्पेस आर टाइप नो स्पेस टू प्रिंट एज. इफ़ अ ब्लैंक स्पेस आर टाइप विद वन स्पेस थ्री करेक्टर एज टू बी प्रिंट. ठीक है, अगर एक स्पेस है तो आपके पास स्पेस के बाद दो करेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे. इसी तरह अगर आपके पास ब्लैंक स्पेस है तो थ्री करेक्टर्स आपके पास स्ट्रिंग हो जाएंगे और ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा. दूसरी जो है हमारे पास डेटा फील्ड वो है न्यूमेरिक फील्ड. न्यूमेरिक फील्ड में फॉर्मेट न्यूमेरिकली ही फॉर्मेट होगा. अगर हैश साइन के साथ स्टार्ट करके इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ईच डिजिट पोजिशन, हर पोजिशन हैश साइन के साथ डिक्लेयर होगी. डिजिटल पोजिशन आर ऑलवेज फील्ड इफ़ द नंबर टू बी प्रिंटेड एज फेवर डिजिट दैन पोजिशन स्पेसिफाइड नंबर जस्टिफाइड. ठीक है, अगर हैश साइन है तो उसकी पोजिशन वगैरह स्पेसिफाई हो जाएंगे. अ डेसिमल पॉइंट मे बी इंटरेक्ट एट एनी पोजिशन इन द फील्ड इफ़ द फॉर्मेट स्ट्रिंग स्पेसिफाई दैट अ डिजिट टू बी ज्यूम. ठीक है, इसी तरह ये डिजिटल वैल्यू और डेसिमल पॉइंट्स के भी होगा. अब पल्स साइन एट द बीइंग और एंड ऑफ द फॉर्मेट स्ट्रिंग काज ऑफ साइन इज यूज. अ कोमा टू बी लेफ्ट टू द डेसिमल पॉइंट इन द फॉर्मेट स्ट्रिंग, कोमा टू बी पॉइंटेड टू द लेफ्ट ऑफ इवन थ्री डिजिट लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट. अ कोमा एट द एंड ऑफ द फॉर्मेट स्ट्रिंग इज प्रिंटेड एज अ पार्ट ऑफ द
स्ट्रिंग, ठीक है, ये पार्ट स्ट्रिंग के पार्ट होते हुए कोमा लगेगा, लेकिन इसको हर एक के साथ कॉमे के साथ अलग करना ही ज़रूरी होगा। ये आपके पास दो प्रिंट यूजिंग की स्टेटमेंट है, न्यूमेरिक के साथ कैसे करना है और स्ट्रिंग फील्ड के साथ इसको कैसे करना है। स्टूडेंट्स आई होप आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया, अपनी बुक से इसको केयरफुली रीड आउट कर लें। अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन फिर भी बाकी हो तो आप कंसर्न कर सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ और अपनी ऑनलाइन क्लासेस रहते रहें, आपके लिए वीकली टेस्ट के लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल होंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।